मीडिया भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। कोरोना के समय में हम लोगों ने कोशिश की है कि कम से कम मीडिया पर्सन को बुलाया जाए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्टेट के सेक्रेटरी श्री अरविंद जी मेरे इस तरफ बैठे हैं। मेरे इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अरुण जी हैं। मेरे साथ इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया के सेक्रेटरी बैठे हैं और इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऑफिस के सेक्रेटरी अपने नरेश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज हम सब इकट्ठे हो यहाँ पे जिस प्रकार से आज के जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, मैं सबसे भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिन रात पूरे प्रदेश के अंदर कोविड की महामारी के दौरान लोगों की सेवा कर रहे हैं और हर हॉस्पिटल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी है, सारे डॉक्टर्स और जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ को छोड़कर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनके साथ पूरा हम लोग सहयोग कर रहे हैं। साथ साथ में कोरोना महामारी जिसे हम लोग जानते हैं कि ये पूरे देश में क्या पूरे विश्व भर में इसका सेकेंड फेज जो चला है, इसमें हम लोग मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो कोरोना महामारी है इसमें हम लोगों ने, मैं जम्मू कश्मीर के वासियों को कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने पैनिक नहीं होना इसके लिए। हमारी आज अगर हम लोग हमारा डेथ रेट यहां पे है जम्मू कश्मीर के अंदर, पर उसके साथ साथ जो रिकवरी है हमारी जम्मू कश्मीर में वो बेहतर स्थिति में है। यहां पर मैं सिर्फ इस माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं यहाँ के लोगों को कि जब कोरोना की महामारी के दौरान अगर कोई आपके घर में बीमार हो जाता है, आपने पैनिक नहीं होना। वास्तव में पहले दिन से जो हेल्पलाइन नंबर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डॉक्टर द्वारा दिए गए पैनल के ऊपर आप लोगों ने उनके साथ संपर्क करके ही दवाई का सेवन करना है। इस वक्त दुआ के साथ दवा दारू की जरूरत है, पर वो पर्टिकुलर डॉक्टर से अपने घर का जो इलाज है वो कृपया आप मत करें। आप लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से आज कई डॉक्टर या कई लोग उसके अंदर नेट के माध्यम से अपनी दवा दारू देना चाहते हैं, कृपया उसको छोड़कर ऐसे हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें और पहले दिन से आप लोग इस स्थिति में आ जाए कि आप इलाज कर सके। और खासकर जो हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, उन लोगों को भी आप लोगों ने बुजुर्गों को भी आइसोलेशन घर के अंदर बिठाना है। दूसरा, जो अगर हम लोग देखते हैं कि किसी की खांसी बढ़ गई है, किसी का रंग नीला पड़ गया है, हमने उसी वक्त या 90 के नीचे अगर हमारी ऑक्सीजन लेवल कम होती है, हमने उसी वक्त डॉक्टर से संपर्क कर हॉस्पिटल को रश करना है अगर डॉक्टर कहता है। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग अपना डेथ रेट कंट्रोल कर सकेंगे। अगर मेट्रोपॉलियन सिटीज में अंबर बॉम्बे महाराष्ट्र, अगर दिल्ली में हम लोग देखें तो वहां एक एक दो दो कमरों के फ्लैट हैं जिसके कारण आइसोलेशन मुश्किल है, पर यहाँ पे हम आइसोलेशन कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लॉकडाउन बढ़ाया जाता है कल या नहीं बढ़ाया जाता है, या अब तक जो लॉकडाउन है इस दौरान भी अगर 3-4 घंटे का जो हमें समय मिलता है सुबह, वो हमें मेल मिलाप के लिए नहीं मिलता, ना कि गपशप के लिए मिलता है। वो हम लोग कोशिश करें रोज बाजार जाने के बजाय हम एक आध दिन के बाद या 4 दिन की इकट्ठी व्यवस्था घर पे करें खाने पीने की। बार बार अगर हम जाते हैं, मेरा जिस प्रकार से प्राणी मंडी या परेड में जाना हुआ, मैं देख के हैरान रह गया कि लोगों के मास्क नाक के ऊपर नहीं थे। मैं भारतीय जनता पार्टी अनुरोध करती है यहाँ के जुझारू जनता से, जम्मू कश्मीर की, हम लोगों ने जो मास्क पहने हैं नाक के ऊपर पहने हैं और बड़ी जरूरत है तो हम लोगों ने बाजारों में उस दौरान जाना है। दूसरा, शादी ब्याह समारोह, इन लोगों को हमने आज इस चीजों को हमने अवॉइड करना है। हमने समय रहते हुए आने वाले समय में हम लोग अपना हर जो स्वाद है वो चख सकते हैं अगर हम इस कोरोना महामारी से बचेंगे। इसलिए इस वक्त हम लोगों को इन चीजों से दूर रहना है। डॉक्टर अगर 2400 घंटे कोविड वार्ड में रहते हैं, पर फिर भी कुछ
डॉक्टर को छोड़कर आप देखिए, वो डॉक्टर आज भी स्वस्थ होकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग प्रिकॉशंस लेते हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आप लोगों ने भी ऐसे ही प्रिकॉशन लेके अपने आप को चुस्त दुरुस्त करना है। और वैक्सीन जो लगाई जा रही है 45 से ऊपर, जिस व्यक्ति ने नहीं लगाई वो लगाने का कार्य करना है। क्योंकि मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जब बारिश होती है हम छाता लेके चले तो हमारे जो कपड़े हैं वो भीगते नहीं हैं। अगर हम बिना छाते के चले तो हमारे कपड़े भीग जाते हैं। ये गोली भी जो वैक्सीन है, ये जो वैक्सीन के इंजेक्शन है, ये उसी तरह कार्य कर रही है। कल को वैक्सीन लगाने के बाद अगर आपको कोविड होता भी है तो आपको जानलेवा वो बीमारी नहीं होगी। छोटी बीमारी के बाद आप स्वस्थ हो सकते हैं, ये वैक्सीन का फायदा है। 18 से ऊपर भी जो स्लॉट सरकार के द्वारा खोले जाते हैं उस पे जाकर अपना अपना बुकिंग करा के आप उसका भी फायदा लीजिए। आने वाले समय में इस स्लॉट को बढ़ाया जाएगा और वैक्सीनेशन सेंटर हमने बढ़ाने के लिए एलजी साहब को बोला है, जल्द ऐसे अनुमान के साथ वो बढ़ेंगे। मैं इसके साथ साथ एक बार और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार डॉक्टर्स जो वार्ड फुटिंग पे कार्य कर रहे हैं, आप मीडिया वाले भी, जो मीडिया पर्सन है वो आप लोग 24/7 कार्य कर रहे हैं। शायद डॉक्टर फिर अपनी ड्यूटी के बाद घर आते हैं, पर आप लोग सड़कों पे 24/7 आप लोग रहते हैं। ठीक है, साथ साथ में कहीं ऑक्सीजन की कमी है, किसी कमी को भी आप बताते हैं, पर उसके साथ साथ मैं मीडिया पर्सन से कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, हमें पॉजिटिविटी भी दिखानी है। कितने पेशेंट्स हमारे ठीक होकर वापिस घर को जा रहे हैं, इस रेशो को भी दिखाना है। कुछ पॉइंट पर्सन डेथ रेट के अलावा पेशेंट जो ठीक होकर जा रहे हैं उनका भी इंटरव्यू लेकर एक पॉजिटिविटी पैदा करें। इसके लिए भी मीडिया भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं इस मंच के माध्यम से। दूसरा, मैं एक इसके लिए भी घटना सुनाता हूं आपको कि जिस प्रकार से यमराज, एक बार यमराज ने दूध को नीचे भेजा धरती के ऊपर और उसने बोला कि आप लोग जब दूध नीचे धरती पे पहुंचा, एक साधु बैठा था, वो कहता कितने लोगों को आप आज लेके जा रहे हो ऊपर? उसने कहा 500 लोगों को। बाद में उसने देखा 500 की जगह 5000 लोग मर गए। तो साधु ने कहा कि आपने तो दूध में से झूठ बोला, आप 500 लोगों का लेने आए थे, 5000 लोग मर गए। उसने कहा 500 ही लेके जाने थे, बाकी उनको मरते मरते देख के डर के मर गए, इसलिए 5000 हो गए। इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करता हूं कि हम लोगों ने सेवा भाव के साथ कार्य करना है, पर हमने इस प्रकार का मोड बनाना है कि हम पॉजिटिविटी लेके लोगों के बीच में जाएं। और भारतीय जनता पार्टी की टीम सारी दिन भर अपनी जान हथेली पे रख के कार्य कर रही है। आप देखें पिछली बार कोविड के दौरान भी अगर कहीं पे यहाँ पे अगर कोविड किसी को हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को हुआ था। इस बार भी यही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर कोई निकल के काम लोगों के बीच में भी कर रहे हैं, अपनी जान हथेली में रखते हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं इसके साथ साथ आप लोगों से यही चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता पैनिक ना हो, यहां सारी व्यवस्था है। आज आप 4 दिन के अंदर देखें जिस प्रकार 4-5 प्राइवेट हॉस्पिटल भी 50% ऑक्युपेंसी के साथ खोल दिए गए हैं, जिस प्रकार से गांधीनगर का जो ऑक्सीजन सेंटर भी खोल दिया गया है एक नया प्लांट, जिस प्रकार से बख्शीनगर मेडिकल हॉस्पिटल में भी कल का एक प्लांट ऑक्सीजन का नया खुल गया है, ऐसी सारी व्यवस्था को देखते हुए एलजी साहब लगे हुए हैं। और समय समय पे हम लोग आपस में बातचीत करके जो व्यवस्था हम लोगों ने बनानी है उसको बना रहे हैं। और इसलिए पैनिक मत होए, 90 से अगर नीचे कहीं कोई व्यक्ति का ऑक्सीमीटर जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, डॉक्टर की सलाह के साथ आप लोग हॉस्पिटल में जाएं। और हॉस्पिटल के अंदर भी आप रश ना करें, डॉक्टरों का सहयोग करें। मेरे को पूरा विश्वास है कि अगले 2-4-5 दिनों के अंदर हम अगर इन बातों को लेकर चलेंगे, हम लोग अपना जो डेथ रेट है जम्मू कश्मीर में कम करेंगे और एक बार फिर जम्मू कश्मीर कोविड के अंदर अपनी जीत हासिल कर आने वाले समय में हम लोग स्वस्थ
होकर अपने अपने कार्य को गति देते हुए अपनी परिवार को, अपने प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका धन्यवाद।